Hi students, let's start with a brief recap of all the formulas given in magnetic effects of current. इस टॉपिक में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना था, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. So what was this Oersted experiment? He said that whenever current, एक simple सा experiment था, एक current carrying wire ली, इसके पास एक magnetic needle यानी कि compass रख दिया. जब जब इसमें current flow होती थी तब तब उस needle में यानी कि magnetic compass की direction change हो जाती थी. अब magnetic needle can change its direction only in the presence of a magnetic field, and that is how it was stated that current produces magnetic field. So, एक बात तो हमने क्लियर कर ली कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. कितनी और किस डायरेक्शन में अभी तक ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ. नंबर टू, व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट अ मूविंग चार्ज. सो इस बात से आप ये भी बता सकते हो कि इफ यू हैव अ मूविंग चार्ज इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया बायोट-सैवर्ट लॉ. एंड बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या बताया था? आपको याद होगा कि इफ यू हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर तो इसके एक छोटे से पार्ट डीएल के वजह से एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, द डिस्टेंस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस करंट एलिमेंट. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका फॉर्मूला हमें मिला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से, राइट. और इसी की हमने 3 एप्लीकेशंस करी थी. फर्स्ट एप्लीकेशन, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया, एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. देन हमने डिस्कस किया था एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. एंड देन हमने डिस्कस किया था इसमें एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. तो फॉर्मूलाज क्या थे? सर्कुलर के लिए द फॉर्मूला वॉज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. दिस इज फॉर इंटायर सर्कल. और अगर आपको सर्कल के किसी पोर्शन के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक सेक्टर के लिए चाहिए जिसका एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 360. ये एंगल्स के टर्म्स में, और अगर आप यही फॉर्मूला रेडियंस के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप थीटा की जगह आप लिखोगे जितना भी रेडियंस है डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो थीटा को आप रेडियंस में कन्वर्ट करके नीचे 360 ना लिख के 2 पाई लिखोगे. अब स्ट्रेट वायर के वजह से एट ए डिस्टेंस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2. अब ये एक जनरल फॉर्मूला था जिसमें φ1 एंड φ2 आर एंगल्स विच द एंड्स ऑफ द कंडक्टर मेक्स विद द पॉइंट. ये एंगल φ1 एंड ये नीचे वाला एंगल φ2. अब इस फॉर्मूले से आपने 2 एप्लीकेशंस और करी थी विच आर फॉर इनफाइनाइट लेंथ एंड वन इज फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ. सो इनफाइनाइट लेंथ के लिए आपको फॉर्मूला मिला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एंड सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, राइट. अब एंगल्स की बात करते हैं. φ1 एंड φ2 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट के केस में φ1 φ2 दोनों 90 होते हैं, सेमी इनफाइनाइट के केस में एक एंगल 90 और एक एंगल 0 डिग्री होता है. एंड लास्टली एक चार्ज क्यू जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिससे r डिस्टेंस पे आपको एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय म्यू नॉट ओवर 4 पाई q v अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. सो ये 3 मेजर फॉर्मूलेस जो इस चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. जैसे कि आपसे अलग अलग टाइप के शेप्स के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. फॉर एग्जांपल एक ये क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है, डिस्टेंस है यहाँ पे आर, तो एक सेमी सर्कुलर पोर्शन और 2 सेमी इनफाइनाइट सर्कल्स. तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमें इसकी डायरेक्शन चेक करनी है किस किस के वजह से, लेंथ एलिमेंट 1, लेंथ एलिमेंट 2 और एक सेमी सर्कुलर सेक्शन 3. इन तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे. सो कमिंग बैक टू डायरेक्शन वाला पोर्शन, मैग्नीट्यूड तो हमें बायोट-सैवर्ट लॉ ने दे दी. अब डायरेक्शन के लिए वी हैव राइट हैंड थंब रूल. अब राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करता था? राइट हैंड थंब रूल ये स्टेट करता था कि अगर आप राइट हैंड के थंब की तरफ करंट की डायरेक्शन दिखाते हो तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, जिस तरीके से उंगलियां गोल घूमती है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल show you the direction of magnetic field. और सबसे अच्छी बात, this theorem is also applicable for vice versa. जैसे कि अगर current is shown by curling of fingers, तो thumb will give you the direction of magnetic field. दोनों का एग्जाम्पल करते हैं. सबसे पहले जब मैंने लिखा था ब्लैक से, दिस वाज कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपके फिंगर्स इस साइड से बाहर की ओर पॉइंट करेंगे, दैट इज डॉट्स, और यहाँ पे फिंगर्स अंदर की ओर पॉइंट करेंगे, दैट इज क्रॉस. राइट. अब एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में देखो, अब आप कन्वर्स थ्योरम लगाओ, फिंगर्स की कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर आ रही है अंदर वाले रीजन से. तो वापस क्रॉस कहाँ बनेंगे इसके? चारों तरफ, इन आउटसाइड द circumference, because this is how magnetic field lines will look to you, concentric circles around the current carrying wire. So moving back to this example, अब इस केस में आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो आउटवर्ड्स है, दैट इज along k cap. फिर जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसके लिए भी k cap है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसके लिए भी k कैप है. दैट मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड आप तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू लेके ऐड कर सकते हो. सिंपली वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप द डायरेक्शन आल्सो इन कंसिडरेशन. राइट. नाउ अब जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे निकालती है, यहाँ पे फॉर्मूला आया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r. बिल्कुल इसी तरीके से इसी सर्कुलर कंडक्टर के एक्सिस पे, सो फॉर एग्जांपल सर्कुलर शेप जिसके एक्सिस पे, एक्सिस होती है परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट, और यहाँ पे आप एक छोटा सा एलिमेंट डीएल मानते हो. इस डीएल के वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी अलोंग दिस डायरेक्शन, वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, जिसके आप दो कॉम्पोनेंट्स बनाओगे. सिमिलरली जो नीचे वाला कंडक्टर एलिमेंट है उसके वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनेंगे, एंड दैट इज हाउ यू विल सी कि सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है? ये a इज द रेडियस, r इज द डिस्टेंस. इजी. इस केस में जहां पे फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r था वहां पे r हमने रेडियस के लिए था, तो आई डोंट सजेस्ट यू टू राइट आंसर योर फॉर्मूला लाइक दिस. इसमें आप अपनी कन्वेंशनल वैल्यूज यूज करो. अगर आपको लगता है कि आप रेडियस को ही r से रिप्रेजेंट करोगे और इस डिस्टेंस को a से रिप्रेजेंट करोगे तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं. इसके बाद इस चैप्टर में आपने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड एम्पियर सर्किटल लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी आपने, विच वॉज दैट कि एक करंट कैरिंग वायर, सपोजेडली वी हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस जो इस प्लेन के थ्रू क्रॉस हो रहा है, एंड इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इसकी कंसेंट्रिक लूप्स. अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर, तो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल. लाइन इंटीग्रल मतलब विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इंटीग्रेट किया है, एरिया सर्फेस इंटीग्रल मतलब विद रिस्पेक्ट टू सर्फेस एरिया हम इंटीग्रेट करते, जैसे हमने गॉस थ्योरम में किया था. सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब जहां पे गॉस थ्योरम की चर्चा हुई है, वी जस्ट पॉइंटेड इट आउट, सो एक बात यहाँ पे अभी क्लियर कर लो. गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने पढ़ा हुआ है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड. जिसने कहा सर म्यू नॉट आई नहीं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड. तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो किसी एरिया को क्रॉस करती हैं, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, उसकी वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है. और यही गॉस थ्योरम अगर हम एक क्लोज सरफेस की बात करें जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तो डायपोल में टोटल चार्ज कितना हुआ? प्लस q एंड माइनस q जीरो, तो ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी. नाउ गॉस थ्योरम जब हम मैग्नेटोस्टैट्स में अप्लाई करते हैं तो सेम तरीका बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर मैं एक मैग्नेट रखता हूं तो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही होगा, और ड्यू टू विच जितनी नंबर ऑफ लाइंस नॉर्थ से एग्जिट कर रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस साउथ से एंटर करेंगे, एंड दैट इज व्हाई नेट फ्लक्स थ्रू द सिस्टम विल बी जीरो. तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक एनालॉग ऑफ गॉस थ्योरम? सो गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया. कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ को गॉस थ्योरम बता देते हैं, ऐसा नहीं है। गॉस थ्योरम गॉस है, एम्पियर सर्किटल लॉ आपने देख ली। एंड एम्पियर सर्किटल लॉ की दो एप्लीकेशन क्या क्या करी थी आपने? आपने एम्पियर सर्किटल लॉ की पहली एप्लीकेशन करी थी टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, और दूसरी एप्लीकेशन करी थी टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉइड। टॉरॉइड इज नथिंग बट अ सर्कुलर सोलेनॉइड। दोनों ही केस में बी डॉट डी एल की वैल्यू थ्रू आउट, जहां पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, दोनों ही केस में आंसर म्यू नॉट आई ही आया था। म्यू नॉट आई आया था, म्यू नॉट एन आई आया था। इट वाज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। तो अभी भी याद कर लो, जिसको याद नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड की वैल्यू थी ये, मैग्नेटिक बी डॉट डी एल की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड की वैल्यू थी म्यू नॉट एन आई। ये सोलेनॉइड के अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, और यही फॉर्मूला एक टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी था। ओके नाउ, इसके बाद आपने चैप्टर में पढ़ा कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वहां से कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है, जिसका चार्ज है q, सो एक पार्टिकल q मूविंग विद v वेलोसिटी, इस पे एक फोर्स लगेगी और दैट फोर्स इज गिवन बाय qvb sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसी फोर्स को हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू qv क्रॉस v, राइट। ये जो फोर्स लगी थी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया क्यू वी बी साइन थीटा से। डायरेक्शन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग्स व्हिच रूल, लेफ्ट हैंड रूल, व्हिच सेज अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल फोर्स फील्ड करंट। कौन कौन सी फिंगर्स यूज होती है यहाँ पे? सबसे पहले फोर्स के लिए थंब, फील्ड के लिए इंडेक्स फिंगर दैट इज फर्स्ट फिंगर, एंड करंट के लिए मिडल फिंगर। सो फोर्स फील्ड करंट। नाउ is it the same formula or same method for finding out the direction of induced current? No, induced current के केस में Fleming's right hand rule use होता है, और right hand rule क्या होता है? motion field current, same finger orientation, thumb, first finger and middle finger, but motion field current, magnetic में होता है force field current, ठीक है। Okay, तो जब आपने फोर्स की डायरेक्शन लगाई इस पे और आपको पता चला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में घुस तो गया बट इट विल अंडरगो अ सर्कुलर पाथ एंड इट विल एग्जिट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये बात क्लियर हो गई। सो इस सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस भी होगा। सो यूजिंग दैट हमने प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, और साइक्लोट्रॉन से पहले हमने क्या क्या देखा? साइक्लोट्रॉन से पहले हमने ये देखा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पोर्शन में घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी विच इज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्यूवीवी, और इस फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे कि सबसे पहले अगर हम वी की बात करें तो वी आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। यहां से अगर आप r निकालो तो r की वैल्यू हो जाएगी mv अपॉन qv। अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2πr अपॉन स्पीड है qbr ओवर m, और आपको आंसर मिल जाएगा 2πm अपॉन qv। और टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, फॉर्मूले में पता चल गया। टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा विच इज qb ओवर 2πm। और अगर ये फॉर्मूला है आपके पास तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो विच इज ओमेगा इज इक्वल टू 2πν, और 2πν करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी qb ओवर m। सो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv² इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद चैप्टर में क्लास पोर्शन आपने और पढ़ा था, वो ये था कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहे हो और उस पर फोर्स लग रहा है qvb, दैट मीन्स एक वायर के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, That will cause a total force on the wire. That means बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पे छोटे छोटे बहुत सारे फोर्स लग गए और वो एक accumulative force बन जाता है, और वो accumulative force कितना होता है किसी current carrying wire पे? F is equal to bil sin theta, B-I-L sin theta। यहाँ पे दोस्तों ये बात याद रखना है कि थीटा किस किस के बीच में एंगल है। ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रखो I L क्रॉस B, तो ज्यादा बेटर होगा। तो एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूजिंग दिस फॉर्मूला आपने एक फॉर्मूला और निकाला था कि दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में जो फोर्स होती है जिसमें करंट I1 एंड I2 फ्लो कर रहा है, सबसे पहली चीज आपने ये भी फिगर आउट करी थी कि दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेंगे। ये आप लेफ्ट हैंड रूल फोर्स वाले मेथड से निकाल सकते हो। और इसके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आया था दैट वॉज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। एंड विद दिस यू आर गुड टू गो विद सॉल्विंग MCQs। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। And the first question is, dash is 10 raised to power 7 times magnetic field produced by a conducting wire of length 1 meter at 1 meter perpendicular distance from it having a current of 1 ampere. So something is 10 raised to the power 7 times magnetic field. दोस्तों magnetic field का आपने सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? That was under the Biot-Savart law, dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square, right? अब यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं सारी डालो, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी आपके पास म्यू नॉट की जगह अगर आप डालते हो 4 pi × 10⁻⁷, डिनोमिनेटर में 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻⁷ बचा. करंट की वैल्यू हमने डाली 1 एम्पियर. डीएल इज 1 मीटर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल लेंथ. साइन थीटा परपेंडिकुलर है, दैट मीन साइन 90 भी 1 हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट. सो 1 का स्क्वायर भी 1. इसके आगे क्या लिखूंगा मैं? इसके आगे आई विल बी राइटिंग द यूनिट ऑफ इट, दैट इज टेस्ला. सो यहां से यू गेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला. अब यहां से अगर मेरे को 1 टेस्ला डिफाइन करना है तो मैं 10⁻⁷ टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, जिसके वजह से मेरे को क्या मिलेगा? आई विल बी गेटिंग ए वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला एंड दैट इज हाउ आई गेट द आंसर व्हेन टेस्ला की 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड थे हमारे पास 10⁻⁻⁷ टेस्ला की. इसको हम 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट दी डिजायर्ड वैल्यू. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कंडक्टर. ठीक है, सो ईस्ट टू वेस्ट में हमने कंडक्टर रख दिया. करंट है हमारे पास 10 एम्पियर्स. The magnetic field in horizontal plane at a distance 10 centimeter from it. एक छोटा सा इश्यू है यहाँ पे. horizontal plane तो ठीक है, horizontal plane का मतलब ये वाला सारा रीजन और ये वाला सारा रीजन, ऊपर और नीचे वाला, right? इसीलिए हम सबसे पहले horizontal region में क्या करने वाले हैं? We are going to see magnetic field की डायरेक्शन कैसी है. डॉट एंड क्रॉस चेक करो राइट हैंड थंब रूल से. जहां पे फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं दैट विल बी क्रॉस, एंड जहां पे फिंगर्स आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं दीज आर डॉट्स. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, बट इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं है हमसे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछी गई है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. तो आप वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस प्लेन में आप ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा. और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है? म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. वैल्यूज डाल के देख लेते हैं. म्यू नॉट की जगह 4 पाई × 10⁻⁷. करंट की वैल्यू है हमारे पास 10 एम्पियर over 2 pi × distance is 10 सेंटीमीटर. 10 × 10⁻⁻². तो क्या क्या कैंसिल हुआ? 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 बचा. 10 से 10 कैंसिल हो गया और 2 × 10⁻⁻⁵ बचा. सो द करेक्ट आंसर इज A. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1. ये रिलेशन कुछ इस तरीके का है. c² टाइम्स permittivity is epsilon naught times permeability is mu naught is equal to 1. That means c square की वैल्यू आएगी 1/μ0 ε0. और यहाँ से एक और एक रिलेशन आप निकाल सकते हो. यू कैन से कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0. तो आप में से जिनको भी ये वाला फॉर्मूला नहीं याद था वो अभी याद कर लें. स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, दिस इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी. And this relation is true. Next question. Magnetic field due to a circular current carrying loop on axial point at a distance equal to radius is proportional to. अब magnetic field on axial point, इसका formula क्या होता है? Axis पे अगर ये distance x है and इस loop का radius r है, तो you have formula on the axis as μ0 I r square over 2 r square plus x square power 3/2. This is the general relation. अब ये तो मैंने एक लूप के लिए बताया. अगर कभी आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिले जिसमें n नंबर ऑफ लूप्स हो तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाता है. बट फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें n की जरूरत नहीं है, बट हमें ये पता है एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, यानी कि x इज इक्वल टू r. तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? μ0 I r square upon 2 r square plus x square, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है तो 2 r square की पावर 3/2. ये जो टर्म आई है आपके पास 2 r square की पावर 3/2, इसका क्या करोगे आप? आप क्यूब करोगे और अंडर रूट लोगे. दैट मींस 2 की पावर 3/2 टाइम्स आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इजी हो गया, आर क्यूब बचा, तो आर क्यूब डिनोमिनेटर में हमारे पास आर क्यूब है और ऊपर है आर स्क्वायर, तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो इंक्लूडिंग ऑल दोस कांस्टेंट्स यू विल बी लेफ्ट विद 1/r, क्योंकि ऊपर आर स्क्वायर है नीचे आर क्यूब है ना। सो आर रेज़ टू पावर -1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इन द गिवन डायग्राम इज इन द डायरेक्शन। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है। इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे एंड राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से योर थंब विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन एट ओ पॉइंट, सो वर्टिकली अपवर्ड्स। नेक्स्ट, Biot-Savart law indicates that the moving electrons having velocity v produce a magnetic field such that magnetic field is perpendicular to velocity, correct? अब पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो डू वी हैव टू सी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस? वी डू, आपकी मर्जी है, आपको 100% श्योर है कि आपका आंसर सही है तो आप मत पढ़ो, अगर आपको डाउट है तो आप बाकी को क्रॉस चेक करके एलिमिनेट करने के लिए कर सकते हो। जैसे कि सेकंड ऑप्शन इज B is parallel to V, ऐसा नहीं होता। It obeys inverse cube law, ऐसा भी नहीं होता। It is along the line joining the electrons and point of observation, totally wrong। So, अब आप एक बात याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस की मूवमेंट डायरेक्शन और करंट, what else? देखो सबसे पहले इन्हीं दोनों में रिलेशन कर लेते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोड्यूस होती है ऑलवेज, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, ये सेकंड पॉइंट क्या था इसका? फोर्स फील्ड करंट की। अभी आने वाले क्वेश्चंस में फोर्स फील्ड करंट का कोई ना कोई कांसेप्ट आएगा, मैं वहां पे समझाऊंगा तीनों भी आपस में कैसे परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, सो आपके पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। हाउ डू यू लुक एट अ सोलेनॉइड लाइक दिस? इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और सोलेनॉइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से आप बता सकते हो दैट इज हाउ सोलेनॉइड्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक नॉर्मल मैग्नेट्स को बिल्कुल रिसेंबल करती है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट बाद में पढ़ते, पहले हम देख लेते कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग भेजा जाए तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगी, क्योंकि ऑल दी ऑप्शंस आर अबाउट what is the change in path of the electron, and we will be deciding this thing only on the basis of whether or not electron is experiencing any force, is it? So force के लिए सीन क्या होता है? force का फॉर्मूला qvb sin theta। sin theta की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गई तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। दैट मींस along the magnetic field direction और opposite to magnetic field direction कोई भी फोर्स नहीं होती है। थीटा 0 या 180 हो जाता है और hence sin theta की वैल्यू 0 हो जाती है। So now we know कि इस पे कोई भी फोर्स लगने वाली है, and that is why there will be no change in the path direction, and hence the correct answer will be D. The electron will continue to move with uniform velocity along the axis of solenoid. Next question: a current-carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend upon the what? Torque का फॉर्मूला क्या होता है? NIBA sin theta. NIBA sin theta, where N is the number of turns, I is current flowing through it, B is the magnetic field, A is the area of the loop, and sin theta. Theta is the angle between area vector and magnetic field. इन दोनों के बीच का, but इनमें कहीं पे भी shape of the loop नहीं है, so it does not depend upon shape. Next question: current sensitivity of a galvanometer can be increased by decreasing. ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसको डिक्रीज करने पे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी? दैट मींस दैट कांस्टेंट हैज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से आप याद रखोगे फॉर्मूला सेंसिटिविटी का, दैट इज NBA/K. K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड व्हाट इज दिस K? दिस K इज टॉर्सनल कांस्टेंट, और टॉर्सनल रिजिडिटी भी कहते हैं इसको। आप ये दोनों वर्ड्स याद रखना, वी कॉल इट टॉर्सनल रिजिडिटी और टॉर्सनल कांस्टेंट K. नेक्स्ट क्वेश्चन: two long conductors separated by a distance d carry currents i1 and i2 in the same direction and exert force f on each other. So numerical point of view है, इसको लिख लेते हैं। दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, इनमें करंट i1 एंड i2 है और इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन d है। व्हाट एल्स? इनके बीच में जो फोर्स है f है। वैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वी द फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट लेंथ का म्यू नॉट I1 I2 over 2πr, right? You not I1 I2 over 2πr. ठीक है, फॉर्मूला हम दोनों हमें मिला हुआ है, और सो वी नो कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैव द करंट इन सेम डायरेक्शन दे टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर एंड अगर हमारे पास करंट डायरेक्शंस अपोजिट हो गई तो दे विल रिपेल ईच अदर। चलो ये बात हमें पता है। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड एंड इंक्रीज्ड 2 टाइम्स एंड डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। ठीक है, तो करंट को डबल कर दिया है और डिस्टेंस को भी ट्रिपल कर दिया गया है। नाउ द डिस्टेंस इज 3d, करंट की वैल्यू डबल हो गई है, i1 की जगह ट्वाइस i1 हो गया और i2 की जगह ट्वाइस i2 हो गया, है ना। नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड। अच्छा, वन ऑफ देम बोला है, नॉट ईच, तो किसी एक में चेंज हुआ है। तो अब हम इसको फिर से रेक्टिफाई करते हैं। वी डोंट राइट 2i1, विल बी सिंपली राइटिंग, एक में हमारे पास करंट i1 है, दूसरे में 2i2, एक में करंट डबल कर दिया, रिवर्स कर दिया डायरेक्शन। रिवर्स करने से क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि नाउ दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, है ना। तो स्टार्टिंग में जो फोर्स थी दैट वाज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो जो न्यू फोर्स होगी एफ डैश दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि एफ डैश विल बी व्हाट, एफ डैश विल बी नेगेटिव ऑफ समथिंग एफ। अब वैल्यूज क्या हुई हमारे पास, एफ डैश के लिए हम यूज करेंगे म्यू नॉट i1 i2 ओवर 2 पाई, डिस्टेंस की जगह 3d हो गया और एक करंट ऊपर ट्वाइस हुई थी तो 2, तो 2/3 फैक्टर आ गया हमारे पास, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि रिपल कर रहा है। और स्टार्टिंग में जो f की वैल्यू थी हमारे पास उस केस में दैट वाज म्यू नॉट i1 i2 ओवर 2 पाई, डिस्टेंस वाज d। अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो f डैश ओवर f की वैल्यू आपके पास आएगी -2/3 and then you can say ki f dash is -2/3 times f. So the correct option is C, -2/3 f. Next question is wire 1 and 2 carrying currents i1 and i2. Okay, हमारे पास एक वायर 1 है जिसमें करंट है i1 और एक वायर है 2 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है i2, are inclined at an angle theta to each other. ठीक है, इन दोनों वायर्स के बीच में एंगल थीटा हो गया। What is the attractive force on a small element dl? सबसे पहले इन्होंने पहले ही क्यों मेंशन कर दिया attractive forces, क्योंकि इनके अगर आप कंपोनेंट बनाओगे और वैसे भी आप देख सकते हो कि दोनों में ही करंट आउटवर्ड्स डायरेक्शन में है ना, फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, सेम डायरेक्शन में करंट की वजह से अट्रैक्टिव। What is the attractive force on a small element dl of wire 2? तो wire 2 के small element dl पे supposedly हमारा dl यहाँ पे है, तो मैं dl मेंशन कर रहा हूँ। This is dl which is at a distance r from first conductor. तो इस dl पे जो स्मॉल फोर्स लगेगी वायर 2 एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगने वाली है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला का होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होती है म्यू नॉट i1 i2 ओवर 2 पाई r। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो लेंथ है हम यहाँ पे ले गए, तो यहां से हटाते हैं इस लेंथ को और इस लेंथ को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये कौन सा लेंथ है, ये वो स्मॉल लेंथ है जिसके ऊपर हमें फोर्स निकालनी है, बट ये दोनों तो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस डीएल के 2 कंपोनेंट बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस हिसाब से, पैरेलल टू द वायर एक कंपोनेंट हो गया हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू बिकम्स डीएल कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा हो गया, जहां थीटा वहां कॉस, और दूसरा नीचे वाला कंपोनेंट बन जाएगा dl sin थीटा। dl sin थीटा पे कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली है बिकॉज इट इज नॉट इन दैट डायरेक्शन। नाउ l की जगह लेंथ क्या कंपोनेंट है जिससे फोर्स लग रहा है हमारा, व्हिच इज dl cos थीटा। तो हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा mu not i1 i2 dl cos थीटा upon 2 pi r and that is the answer. Easy question. A conducting loop carrying current i is placed in a uniform magnetic field pointing into the plane of paper as shown. तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। अब द लूप विल हैव ए टेंडेंसी टू, अब इस लूप में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो लूप विल हैव ए टेंडेंसी टू, इसके लिए आप ये चेक करो कि इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है। फोर्स फील्ड करंट के हिसाब से अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट की डायरेक्शन आप इस पॉइंट पे चेक करो, करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स क्या लग रही है अलॉन्ग y एक्सिस बाहर की तरफ, और यही फोर्स की डायरेक्शन अगर आप इस नीचे वाले पॉइंट पे चेक करते हो तो आपको थंब नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखेगा, यानी अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस। सो हर पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ओवरऑल लूप विल टेंड टू इंक्रीज। एक्सपैंड होगा नहीं होगा दैट इज नॉट द पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, होगा नहीं होगा बट इट विल टेंड टू एक्सपैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज माइनस बी जेड. माइनस बी जेड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन माइनस के डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द क्रॉसेस. इट एग्जिस्ट इन द रीजन x इज ग्रेटर देन a, सो ये हमारे पास xy एक्सिस है और x greater than a and x greater than 0, ये सारा रीजन हो गया है ना. तो इस सारे रीजन पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इसको हटा देते हैं. अब एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी u, तो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इट इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी u अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है, पूछा क्या गया है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एमर्जेस आउट ऑफ दिस फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से ट्रेवल करते हुए इस फील्ड से बाहर आएगा तो इट्स वाई कॉम्पोनेंट. वाई कॉम्पोनेंट मतलब इसका पोजीशन वैल्यू की पोजीशन या कोऑर्डिनेट किस साइड होगा, ये ऊपर की साइड होगा नीचे की साइड होगा, दैट इज व्हाट वाई कॉम्पोनेंट इज, द वैल्यू ऑफ पोजीशन. एंड वेलोसिटी v, सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं. हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड, ऑल्दो उसका डायरेक्शन भले ही चेंज हो जाए. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाता है, राइट? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वन में भी, काफी सारे फर्स्ट पार्ट में भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें हमने डायरेक्शन सेंस कंसिडर करी थी. नाउ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ये तो हमें पता है, तो ऑप्शन क्या बने, या तो हमारा आंसर डी आएगा या तो सी आएगा, क्योंकि दोनों में वेलोसिटी इक्वल टू 0 इक्वल टू u बोला हुआ है. फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई, चलो ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट हो गए. देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए आप सिंपली लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और देखो कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है. फोर्स फील्ड करंट जब आप लगाओगे, करंट इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस. क्यों करंट माइनस एक्स एक्सिस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, राइट? तो ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई. अब फोर्स फील्ड करंट चेक कर लो, फील्ड अंदर की तरफ, योर फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन, मिडिल फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, थंब विल बी शोइंग यू डायरेक्शन इन माइनस वाई डायरेक्शन. सो चार्ज इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, राइट? सो वाई इज वॉट, वाई इज लेस देन 0 है ना, y की वैल्यू लेस देन 0 आ गई. फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं. वी हैव टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, एक कॉइल ये है हमारी, एक कॉइल ये है, एंड दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. तो वी ऑलरेडी नो कि अगर एक की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में होगी. द कॉइल्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कॉरस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे. दैट मींस व्हाई डिड वी डू दिस, बिकॉज हमें पता है कि अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ b1² प्लस b2² वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब भी आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है इंक्लाइंड एट एनी एंगल, यू फाइंड द रिजल्टेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला. इज दिस द कंप्लीट फॉर्मूला? नहीं, वेक्टर वाला फॉर्मूला है ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, इसीलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा है, 2ab cos थीटा वाला टर्म खत्म. अच्छा, तो हमें b1 और b2 की वैल्यू निकालनी है. करंट की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, हमें रेडियस तो पता है 2 पाई सेंटीमीटर है और करंट इज 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर. ओके, सो b1 की बात करें, म्यू नॉट i ओवर 2r, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर. ये फॉर्मूला होता है. म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ करंट 3 एम्पियर्स अपॉन 2 डिस्टेंस. क्या बोली है हमें, रेडियस की वैल्यू दी गई है, द बोथ आर 2 पाई सेंटीमीटर. 2 पाई सेंटीमीटर इंटू 10⁻², इसको ठीक से लिखा जाए 10⁻². सो 2 पाई एंड 4 पाई कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा 3 इंटू 10⁻⁵. सिमिलरली जो b2 की वैल्यू है वहां पे आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵. तो जब आप ये b1 और b2 की वैल्यू अंडर रूट के अंदर डालोगे, विच इज 3 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपके पास सबसे पहले तो 10⁻⁻⁵ का स्क्वायर कॉमन निकालो, रूट से बाहर ले आओ, राइट। रूट के अंदर बचेगा आपके पास √3² + 4² विच इज √25। So 5 × 10⁻⁵ Tesla, and hence the correct answer for this will be D option, 5 × 10⁻⁵. Next question. An infinite long conductor PQR is bent to form a right angle as shown in figure. तो हमारे पास PQR लेंथ थी इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई, ये P, Q एंड R भी इनफाइनाइट तक ही गया हुआ है। A current flows through PQR, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी हमें पता है कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। The magnetic field due to this current at M is B1. तो इस करंट के वजह से M पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B1 एंड S पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B2. Options are B1 is due to PQ and QR. B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है is this due to PQ and QR? नहीं, देखो लॉजिक क्या है, along the direction of length, सपोज कर लो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके इस पॉइंट पे तो होगी मैग्नेटिक फील्ड लेकिन along the length कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, तो जो B1 की वैल्यू है at M that is not due to QR but that is due to PQ only, तो ये आंसर गलत हो गया। B2 is due to PQR, B2 जो S पॉइंट पे है PQR की वजह से नहीं, वो सिर्फ QR लेंथ की वजह से जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। B1 is due to PQ, yes B1 जो वैल्यू है वो PQ की वजह से है that is true, and B2 is due to PQ, no, so the right answer is C. Next question. A charged particle enters in a magnetic field perpendicular to the magnetic field lines. The path of the particle is, अब हमें पता है कि किसी भी रीजन में जहाँ पे magnetic field lines are perpendicular to the direction of motion of a charged particle supposedly like this, then it is going to have a circular path. So answer is circular. Why this question? It is a basic question. Why this question? Because of this one. अब की बार a charged particle enters at 30 degree to the magnetic field. अब की बार इसका पाथ क्या होगा? यहाँ पे आप एक बात समझ लो. These are my magnetic field lines, supposedly like this. और यहाँ पे मेरे पास एक charged particle है, which is entering at an angle 30 degree. ठीक है? तो इसके कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, ये जो v वेलोसिटी है इसका एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो जाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है x, इस हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला याद रखो qvb sin थीटा एंड द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल के लिए, तो इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी विल नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। अब ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड से, इस पे फोर्स लगेगा और इसकी वजह से सर्कुलर पाथ होगा। तो यहाँ पे दो पाथ इंक्लूड हो गए, एक हॉरिजॉन्टल के वजह से स्ट्रेट पाथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल के वजह से सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ भी जा रहा है स्ट्रेट भी जा रहा है, दैट इज वाई इट विल अंडरगो अ हेलिकल पाथ, दैट्स वाई हमने पिछला क्वेश्चन इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन. Two parallel wires carrying current in the same direction attract each other because of, हमें already इसका आंसर पता है कि दो current carrying conductors जिसमें current same होते हैं तो they attract each other because of magnetic force on each other, magnetic force between them. Next, a uniform electric field and a uniform magnetic field are produced, pointed in the same direction in a certain region. तो हमारे पास uniform electric field भी है और magnetic field भी है same direction में। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं रेड लाइन से, ये पॉजिटिव चार्ज इधर होगा नेगेटिव चार्ज इधर होगा, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आर लाइक दिस, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड्स आर आल्सो इन द सेम डायरेक्शन क्योंकि यही हमें बताया गया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ पे साउथ पोल लगा दिया। अब एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद इट्स वेलोसिटी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन विल टर्न टू इट्स लेफ्ट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या इस इलेक्ट्रॉन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसके वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो, तो आंसर इज मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। qvb sin थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो, दोनों ही केस में फोर्स नहीं लगती, तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रही, तो देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से द चार्ज पार्टिकल वुड ईदर एक्सेलरेट और रिटार्ड, डिपेंडिंग अपॉन की फोर्स उसको प्रोड्यूसिव फोर्स लगा या ऑपोजिट फोर्स लगा, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ ना जाके पॉजिटिव की तरफ आना चाहेगा, है ना। दैट मींस अब की बार जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन लग रही है, पीछे की तरफ टुवर्ड्स द पॉजिटिव वन, एंड दैट इज व्हाई इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सो द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट एंड राइट वाला पहले ही कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि तेरे को एक भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A conducting circular loop of radius r carries a constant current I। हमारे पास एक circular loop है जिसके थ्रू I amount of current flow हो रहा है और इसका radius हमें दिया हुआ r, okay? Now next point, it is placed in a uniform magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of loop। So magnetic field यहाँ पे हमारे plane of loop से perpendicular है। Then पूछा गया क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज। अब देखो फोर्स के बारे में पूछा गया है, जबकि टॉर्क इज अ डिफरेंट थिंग। जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगती है, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है NIBA। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस इट, या कितने नंबर ऑफ टर्न्स उस कंडक्टिंग लूप्स के हैं। सेकेंड, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। लास्टली एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। टॉर्क इज अ सेपरेट इश्यू, बट व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मींस द कॉइल शुड मूव इन वन और द अदर डायरेक्शन, बट ऐसा नहीं होता, कॉइल मूव नहीं करता, कॉइल एक ही जगह बैठ के रोटेट कर रहा होता है। दैट इज व्हाई वी से इट्स टॉर्क नॉट फोर्स, एंड हेंस नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। मूविंग ऑन, व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, there are circular magnetic lines of force around it, which is absolutely true। एक हमारे पास current carrying wire है तो इसके across magnetic field इसके through circular conducting loops में होती है, इसके about circular loops में होती है। अब बाकी के options भी देखते हैं। A option सही है हमारा, there are circular magnetic lines of force near it। near it का sense नहीं बनता है, इसके around ही होती है। so second option is गलत। थर्ड ऑप्शन, देर आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल टू कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा नहीं होता, सब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर भी नहीं होता, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर भी नहीं होता। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B विद डिस्टेंस r ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो आप, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। यहाँ से क्या पता चला आपको, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ लाइक दिस। सो आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियोस में समझाया था कि 1/r और 1/r² का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। और आपको वो पॉइंट्स भी समझाए थे कि किस तरीके से आपको याद करना है। सो मूविंग ऑन, there is a magnetic field acting in a plane downwards perpendicular to sheet of the paper। तो हमारे को ये magnetic lines या magnetic field region cross से represent किया गया हुआ है through this sheet of the paper। Particles in vacuum move in the plane of paper from left to right। So supposedly these are the particles which are supposed to move, and they are moving like this direction from left to right। The path of indicated, the path यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, इज द पाथ इज इंडिकेटेड बाय एन एरो कुड बी ट्रेवल्ड बाय। अब ये जो हमें पाथ दिखाया हुआ है, अब आप पाथ को रीड्रॉ करो, दिस इज द पाथ। अब ये पाथ किस टाइप के पार्टिकल का हो सकता है, उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स की डायरेक्शन चेक करो नीचे की तरफ, योर थंब शुड बी पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ द फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन ऑफ द शीट और प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो आपको जो मिडिल फिंगर होगी यानी कि फोर्स फील्ड करंट वाली फिंगर, राइट, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। सो करंट की डायरेक्शन फ्लो हमें मिल गई कि करंट इज फ्लोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ऐसे कौन से पार्टिकल है जो मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन उनके अपोजिट करंट मानी जाती है। नाउ यू नो द पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली टू द राइट, like previous question, stream of particles is directed horizontally towards right. तो थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, इसको सीधा किया जाए. Now these particles are going in this direction. और क्या क्वेश्चन में, a straight conductor carrying a current is supported parallel to electron stream and above it. इसके ऊपर एक स्ट्रेट कंडक्टर रखा गया. सो इसको हम फिर से रीड्रॉ करते हैं, पार्टिकल्स को बनाते हैं हम यहाँ पे. सपोजली दीज आर द पार्टिकल्स एंड दे आर प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज सपोर्टेड पैरेलल टू इट अबव इट, है ना. देखो, कैरिंग अ करंट इज सस्पेंडेड पैरेलल टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एंड अबव इट. तो हमने अबव इट ड्रॉ कर लिया. आगे बोला गया इफ द करंट इन द कंडक्टर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो करंट इन द कंडक्टर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से. प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो हमारी फिंगर्स जो पॉइंट आउट कर रही होंगी इस तरफ, और जहाँ पे अंदर जा रही होंगी फिंगर्स इस तरफ. ठीक है, यहाँ पे चार्ज कौन से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई? करंट इज इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की, है ना. चलो, ये करंट की डायरेक्शन आपको पता है इलेक्ट्रॉन की, बट लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन. देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लगेगा. फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स फील्ड करंट चेक करो, फोर्स फील्ड करंट. अब करंट कौन सी डायरेक्शन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन लेंगे ऐसे. दिस इज द सब्जेक्टेड करंट ऑन विच फोर्स इज सपोज टू एक्ट, फोर्स फील्ड करंट. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स का नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स एंड करंट टूवर्ड्स लेफ्ट. तो फोर्स थंब विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हमें ये पता चल गया कि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना. अब लेट्स गो टू ऑप्शंस. द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी स्पीडेड अप. नो, नॉट स्पीडेड अप, नाइदर इट विल बी रिटार्डेड, बिकॉज जो फोर्स लग रहा है वो करंट इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है इन अ डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. एंड दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम वुड बी पुल्ड अपवर्ड. नो, द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम वुड बी पुल्ड डाउनवर्ड. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, द लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद अ वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय. दोस्तों, वैसे तो लॉरेंस फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, राइट. ये आपको याद होगा. इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज क्यू ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नहीं दिया गया. दैट मीन्स जो आप फोर्स का आंसर बताओगे दैट विल बी ओनली क्यू V cross B and hence B is the right answer. Next question. The force on a charged particle in a magnetic field is maximum when the angle between the velocity and the magnetic field is. Force का formula क्या होता है? QV cross B और QVB sin theta. तो force will be maximum कब? जब sin theta की value maximum होगी, यानी कि 1, और sin theta 1 कब होता है? 90 degree. So the answer is 90 degree. Also 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे फोर्स क्या होता है? 0 डिग्री पे भी फोर्स 0 है और 180 डिग्री पे भी फोर्स 0 है. अब जब फोर्स 0 होता है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाती है, और वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, दैट यू कैन इजीली से बाय लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ 0 एंड 180, राइट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गो बैक टू प्रीवियस वीडियोज एंड सी दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एट द न्यूट्रल पॉइंट. नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट. इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है मोस्ट ऑफ देम आर सिमिलर एक्सेप्ट द फर्स्ट फ्यू विच इज पॉजिटिव से नेगेटिव तक. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट होती है एंड टर्मिनेट होती है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव. एंड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के साथ ऐसा नहीं होता. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से इमर्ज होकर साउथ तक ट्रेवल करती है, बट विद इन द मैग्नेट they traveled from south to north. So basically magnetic field lines have closed loops, whereas electric field lines are terminating. They start from a point and end at a point. This is the major difference. Baki most of the properties between both the lines in electrostats as well as in magnetostats are totally same. So they do not intersect at all. Okay, because reason भी same होता है, because at the point of intersection there will be two tangents giving you two different directions of magnetic field at the same point, which is not possible. यही आंसर आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही पढ़ा था, right? So बाकी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गए. Next question. The radius of the path of a charged particle moving in a magnetic field is proportional to. रेडियस किसके proportional होता है? अगर आपको रेडियस का सीधे सीधे फॉर्मूला ना याद आए, जो हमने आपने साइक्लोट्रॉन में किया था, तो आप एक क्या काम करोगे, आपने पढ़ा होगा कि क्यू वी बी विच इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखेंगे और हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी. ये एम वी क्या है? एम वी इज द मोमेंटम, right, mass into velocity. So radius is directly proportional to momentum of the particle. Next question. A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire as shown. तो हमारे पास एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन द गिवन डायरेक्शन एंड इट इज प्लेस्ड नियर दिस कंडक्टिंग वायर हैविंग अ वैल्यू I करंट. The loop will, अब इस loop पे क्या लगेगा, रोटेट अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द वायर, मूव अवे फ्रॉम द वायर, मूव टुवर्ड्स द वायर, रिमेन स्टेशनरी. देखो सबसे पहले जितना फोर्स इस पोर्शन पे लगेगा उतना ही फोर्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाले पोर्शन पे लग जाएगा अगर आप राइट हैंड रूल से, अगर आप लेफ्ट हैंड रूल से चेक करोगे तो फोर्स फील्ड करंट वाली डायरेक्शन से, तो आपको पता चल जाएगा. एंड दैट इज वाई ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी एंड हेंस इन दोनों वायर्स की वजह से, यानी कि के एल एंड एन एम, इनके वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा. अब बात करते हैं फोर्स पोर्शंस के एन एंड एल एम. इन पे फोर्स डेफिनेटली लगेगी और इस पे फोर्स निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है. टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये दोनों अट्रैक्ट होंगी और ये वाली वायर और मेजर वायर रिपेल होगी. तो हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है इस तरफ और एक रिपल्सिव फोर्स है इस तरफ, लेकिन दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स. वाई? बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कम है. फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट आई वन आई टू और टू पाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. सो मेजर फोर्स अट्रैक्टिव है, माइनर फोर्स रिपल्सिव है, तो ओवरऑल लूप इज गोइंग टू अट्रैक्ट. सो दैट इज वाई द आंसर विल बी सी, मूव टूवर्ड्स द वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In certain region of space, electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other. तो अब आपको टॉपिक याद आ गया होगा. किस टॉपिक का है क्वेश्चन? वेलोसिटी फिल्टर का, जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, जिसके वजह से वी कैन सेलेक्ट सर्टेन पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद पर्टिकुलर वेलोसिटी, राइट? एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स एंड मूव अनडिफ्लेक्टेड. अनडिफ्लेक्टेड क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उस पर क्यू ई, उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लग गया क्यू वी वी. तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ. एंड हेंस वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी विल बी द राइट आंसर, जो हमसे वेलोसिटी पूछी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ डिस्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर इज डबल्ड देन फोर्स बिटवीन देम इज. अब टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स, कौन सी फोर्स? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर आई वन आई टू और म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर. अब ये जो डिस्टेंस है, सो दिस फोर्स अपॉन डिस्टेंस और फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो अगर आपने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स हाफ हो जाएगी एंड दैट इज वाई इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The coil of a moving coil galvanometer is wound over a metal frame in order to. ये हम previous video में भी discuss किया था यही point. ये topic है dead beat galvanometer वाला और we can also call it electromagnetic damping वाला topic है, जिसमें metal sheets के across wire बांधे जाती है ताकि when electric lines of force, यानी कि electric flux, when magnetic lines of force यानी कि magnetic flux इस मेटल फ्रेम के क्रॉस जाती है तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है जिसको आप एडी करंट कहते हो. एंड एडी करंट लाइक एनी अदर इंड्यूस करंट विल ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन एंड दैट इज व्हाई वी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. मूविंग ऑन. अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ओके, सो पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज लाइक ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 0, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो 180 डिग्री। बट दोनों ही केस में फोर्स इज नॉट गोइंग टू हैपन, फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन टू मोशन ऑफ चार्ज? नथिंग विल हैपन, इट विल मूव अनडेडिकेटेड एंड दैट इज व्हाई दैट्स द राइट आंसर। Next question, which one decides the direction of magnetic line of force due to straight wire carrying current? अब इनमें से कौन सा रूल अप्लाई होता है? राइट हैंड थंब रूल। यस, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? दिस फोर्स की डायरेक्शन। एम्पियर स्विमिंग रूल, अगेन राइट हैंड थंब रूल का ही एक वर्जन है, बट इसमें स्विमिंग रूल नहीं लिखा तो एम्पियर रूल, और भी 2-3 एम्पियर रूल है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाता है, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमें चाहिए मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हेन अ चार्ज क्यू मूव्स विद अ वेलोसिटी वी इन मैग्नेटिक फील्ड बी। अब फोर्स का जो फॉर्मूला था दैट वाज क्यू वी क्रॉस बी, है ना। पर हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो दोनों साइड चार्ज से डिवाइड कर दो तो क्या बचाएगा आपके पास? V क्रॉस B and hence Fm becomes V क्रॉस B। Next one, time period of the charge particle undergoing a circular motion in a uniform magnetic field is independent of। अब time period किसके independent होता है? Again, अगर आपको time period फॉर्मूला नहीं याद, which is 2πm/qb। time period दोनों ही velocity and radius के independent होता है। बट again, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप क्या करो, you will start with qvb is equal to mv square over r and then यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? qbr अपॉन m। और अगर आपको रेडियस चाहिए, रेडियस भी निकल जाएगा विच इज mv अपॉन qb। वॉट एल्स? अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो डिस्टेंस और स्पीड 2πr, r को हमने एज इट इज छोड़ दिया, अपॉन डिस्टेंस तो हो गई 2πr अपॉन स्पीड। स्पीड की वैल्यू क्यू बी आर अपॉन एम यूज करो, क्यू बी आर ओवर एम। तो आर से आर कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2πm अपॉन क्यू बी। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वेलोसिटी एज वेल एज रेडियस। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल के इंडिपेंडेंट होता है और बाकी के ऑप्शन इनवैलिड होता है। इस क्वेश्चन में इनवैलिड है, वैसे अकॉर्डिंग टू अदर क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो चेक यूजिंग द सेम मेन फॉर्मूला विच इज नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। Next question, a square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. Magnetic field is acting in the plane of the loop. If the force on the arm of the loop is F, the net force on the remaining 3 arms of the loop is minus F. Now हम इस नतीजे पे कैसे पहुंचेंगे? माइनस एफ ही होगा आंसर, क्योंकि जब भी आप एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में विच इज़ यूनिफॉर्म इन नेचर, इसके अंदर आप एक करंट कैरिंग लूप रखो, एक कंडक्टर रखो, तो नेट फोर्स इस पे 0 होता है। थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन आया था। नेट फोर्स 0 है ये हमें पता है। एक वायर पे करंट है, एक वायर पे फोर्स है F, लेकिन नेट फोर्स को 0 करने के लिए बाकी के जो वायर के पोर्शन है उस पर फोर्स होगा इसका इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस आर आंसर वुड बी माइनस F। फाइनली, two thin metallic strips carrying current in the direction shown cross each other perpendicularly without touching but being close to each other। ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे बट काफी पास है। The region which contains some point of zero magnetic field। जीरो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी? जहाँ पे दोनों ही कंडक्टर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये हम कैसे फिगर आउट करेंगे? सबसे पहले हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्या आएगा? ऊपर आप डॉट बनाओगे, है ना, तो ऊपर हमने डॉट बना दिया और नीचे क्रॉस वाले रीजन होंगे, जस्ट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब सेम चीज़ आप इस कंडक्टर के लिए करो, यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डॉट कहाँ पे आ रहे हैं? डॉट जहाँ से लाइन्स फिंगर्स आपकी बाहर की ओर पॉइंट कर रही है इस साइड, और क्रॉस कहाँ पे? जहाँ पे फिंगर्स अंदर की ओर एंटर कर रही है, लाइक दिस, ठीक है। तो जो रीजन जहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों ही कंडक्टर्स के ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि एक ये वाला रीजन जहाँ पे डॉट क्रॉस आ रहा है और दूसरा ये वाला रीजन। तो आंसर होगा हमारा रीजन 1 एंड रीजन 4। And with this, we are done with this chapter. I'll see you again in the next chapter video with more questions and more theoretical explanations. Hope you are liking the video. Hope you are understanding the facts. And if you have any doubt, please get in touch. Just type your doubt in the comment section and we'll revert back.